जरा भी प्रीत ना हो, पुराना वस्त्र माना शरीर इनसे प्रीत ना हो, जो भी कमजोरियां कमियां निर्बलता कोमलता रखी हुई है वो सब पुराने। ओम शांति। आप सभी को प्यारे शिव बाबा जो बर्फ जाति ज्योत है उससे आकर हम सभी वास्तविक ज्योत जगाई, तो उस ज्योति जागरण का ये प्रतीक दीपावली, क्योंकि बड़ा थे और हम सब छोटे थे, वो उस परमात्मा और महात्माओं की ही यादगार है और सतयुगी कॉर्पोरेशन का यादगार है, क्योंकि बाबा यादगुड़ी ने कहा कि मुझे बचपन में भुला ना देना, तो ये सब क्या है, बचपन की यादगार है। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मालूम है कि बहुत जल्दी भी होगी, लेकिन कुछ लोग तो अभी तक आई रह गए, 8 महीने बाद ही आएगा समझ के, तो बस अभी हम भोग लगाएंगे पहले प्यारे श्री बाबा को, ठीक है। ओम शांति। सभी श्री बाबा को भोग लगाएंगे। ऐसे ही हमारे विचार भी कच्चे घड़े की तरह है, जब
शांत रहना हर परिस्थिति में, लेकिन जब नकारात्मकता परिस्थितियां आती हैं तो हमारे विचार कच्चे घड़े की तरह बह जाते हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए परमात्मा ने हमें कवच बताया कि आप अग्नि रूपी योग अग्नि है। जब वो परमात्मा की याद से अपने संकल्पों को पाप ही कर लेते हैं तो हमारे जो विचार है वो पक्का खराब हो जाते हैं। फिर कैसी भी परिस्थिति आती है उसके संग में जब हम आते हैं तो उसमें कैसी परिस्थिति आए हमारा मन शांत रहता है, अचल रहता है। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया कि जो भी कोई परेशानी आए तो पहले अपने संकल्पों को चेक करो, जब चेक नहीं करते तभी हम परिस्थितियाँ पार कर जाती हैं। जैसे घर में कोई सांप जंतु निकल आता है तुरंत उसका इंतजाम करा जाता है, तो ऐसे हमारे मन में अगर कोई व्यर्थ संकल्प आए तुरंत हम चेंज कर लेते हैं, उसे रोकथाम लगा देते हैं, तो हमारे जीवन में चेंज आ जाता है और सच्ची दीपावली तभी हम मना सकते हैं। क्योंकि दीपावली वाले दिन आज नारायण का आह्वान नहीं करेंगे, आज लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। जैसे बाबा ने मुरली में आज कहा कि देखो सभी महालक्ष्मी को बुलाएंगे, नारायण को कोई नहीं बुलाता, जबकि लक्ष्मी कहाँ से धन लाएगी, धन तो नारायण ही लाते हैं। तो वास्तव में लक्ष्मी क्या है, हमारे अंदर जो दिव्यता आनी चाहिए उसका आध्यात्मिक रहस्य है, जिसको लक्ष्मी के रूप में हम पूजन करते हैं, याद करते हैं। तो हम दिव्य आह्वान तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर विचारों में परिवर्तन होगा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ओम शांति। ओम शांति। इतना सुंदर अर्थ बताया कि किस प्रकार से देवताओं के भी अधीन हो जाते हैं, लेकिन आज का क्या हो गया, आज हम प्रकृति के अधीन हो गए। और धीरे धीरे क्या होता है कि जिस चीज को हम इतना दबाते हैं उतना ही तेजी से प्रेशर से बाहर उछलते हैं, और इसी का कारण देखो आज प्रकृति कितना दुखदायक हो गई, जबकि सत्यमी की प्रकृति कैसी होगी, सुखदायक होगी। तो अभी हम सभी मिलकर दीप प्रज्वलन करते हैं यही शुभकामनाओं के साथ कि सबके मन का अंधेरा दूर हो, जीवन में खुशियाँ आए और शिव बाबा जो जागती ज्योत है वो सदैव हमारे साथ रहे ताकि हमारी आत्मा की ज्योति भी जग रहे।
मन मना भव के मंत्र से करे अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो। जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए आत्म दीप जगाए। साइड में लगा रहे हैं कि साइड में इधर की साइड में जो बालकनियां हैं, खिड़कियां हैं, वहां पे करिए, सामने मत करिए आप। साइड में लगा रहे हैं कपड़ों के साथ लगाएगा, जहां कपड़े नहीं लगे वो साइड पर लगा, जहां कपड़े नहीं लगे हैं वहां पर लगाइए। किसी बाबा पर नहीं, किसी बाबा पर नहीं लगा, तो मैं एक पूरी लगा देगा। आप लोग साइड में लगा दीजिए, पीछे लगा दीजिए, और पीछे लगा दीजिए, किसी बात की जरूरत नहीं। ओम शांति। भी प्रोग्राम बाकी जाएगा, कोई अपने स्थान पर लौट आइए, अपने स्थान पर बैठ जाएगा। कभी अपने लिए कुछ नहीं बचाता।